सो गाइस इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फर्स्ट ओडीआई मैच यहां पे कंप्लीट हो चुका है एंड मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट ओडीआई मैच कौन सी टीम जीती है, कौन से प्लेयर ने आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, सभी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला। तो गाइस ओवरऑल वीडियो होने लगा बहुत इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं टॉस के। तो गाइस यहाँ पे श्रीलंका की टीम ने टॉस जीत लिया था एंड यहाँ पे श्रीलंका की टीम ने टॉस जीत के यहाँ पे बल्लेबाजी का फैसला किया था, यानी कि दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करने वाली थी। तो गाइस यहाँ पे श्रीलंका के जो ओपनर थे अविष्का फर्नांडो एंड एम बानू का यहाँ पे बैटिंग करने आ गए एंड अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे 49 रन पे यहाँ पे श्रीलंका का टीम का पहला विकेट चला गया। फिर दोस्तों यहाँ पे राजापक्सा एंड राजापक्सा ने 24 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन यहाँ पे 24 रन पे आउट हो गए। अविष्का फर्नांडो 33 रन की शानदार पारी खेली। फिर दोस्तों यहाँ पे जो विकेट कीपर भानु का थे वो यहाँ पे 27 रन पे आउट हो गए। धनंजय दे सिल्वा ने भी 14 रन की शानदार पारी खेली। श्रीलंका ने भी 38 रन की शानदार पारी खेली, इसमें एक चौका शामिल था। जो कप्तान सनाका थे वो यहाँ पे 39 रन पे आउट हो गए। हसरंगा 8 रन पे आउट हो गए। करुण अत्री यहाँ पे 43 रन की शानदार नाबाद पारी खेली 35 गेंदों पे, जिसमें एक चौका दो छक्का शामिल था। यहाँ पे उदाना ने यहाँ पे 8 रन पे आउट हो गए। चमीरा 13 रन पे रन आउट हो गए। वहीं पर दोस्तों बात की जाए इंडिया के बॉलर्स की, तो गए यहाँ पे भुवनेश्वर सर कुमार को 9 ओवर में 63 रन पड़े, एक भी विकेट नहीं मिला। दीपक चहर को आज के मैच में 2 विकेट मिला। हार्दिक पांड्या के आज के मैच में 1 विकेट मिला। युजवेंद्र चहल को आज के मैच में 2 विकेट मिला। कुलदीप यादव को आज के मैच में 2 विकेट मिला एंड कुणाल पांड्या को आज के मैच में 1 विकेट मिला। एंड यहाँ पे 10 ओवर में 26 रन देके 1 विकेट कुणाल पांड्या ने चटकाया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे गेंदबाजी में आज इंडिया बॉलर्स की तरफ से हमें आज दिखाया। अब दोस्तों बात करते हैं स्कोर की, तो कैसे हमें श्रीलंका की टीम का स्कोर था 50 ओवर के बाद 262 रन 9 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ दोस्तों 263 रन का यहाँ पे इंडिया की टीम को टारगेट मिल गया था। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिया की टीम के जो ओपनर थे पृथ्वी शॉ एंड शिखर धवन बैटिंग करने आ गए एंड बहुत ही अच्छा हमें पार्टनरशिप देखने को मिली। 5 ओवर में 58 रन यहाँ पे जो इंडिया की टीम थी यहाँ पे जड़ दिए, लेकिन यहाँ पे 58 रन पे पहली विकेट यहाँ पे पृथ्वी शॉ का चला गया। फिर दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी शॉ ने 43 रन की शानदार पारी खेली 24 गेंदों पर, इसमें 9 चौके शामिल थे। फिर दोस्तों यहाँ पे ईशान किशन है जो आज डेब्यू कर रहे थे बर्थडे के दिन, एंड यहाँ पे ईशान किशन ने भी बहुत तूफानी पारी खेली। 42 गेंदों पर 59 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके एंड 2 छक्के शामिल थे। फिर दोस्तों वही बात कीजिए कप्तान की, तो गाइस अब कप्तान ने भी आज कप्तानी पारी खेली एंड साथ ही साथ मनीष पांडे ने भी आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। यानी कि दोस्तों आज इंडिया की टीम के जितने भी बैट्समैन थे सभी ने आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड वही बात किया श्रीलंका के बॉलर्स की, तो गाइस यहां पे धनंजय सिल्वा को आज के मैच में विकेट मिला एंड लक्षण संध्या को यहां पे आज के मैच में विकेट मिला। अब दोस्तों यहां बात करते हैं रिजल्ट की, तो गाइस जो फर्स्ट ओडीआई मैच है वो यहां पे टीम इंडिया की टीम आराम से जीत चुके हैं। जी हां दोस्तों फर्स्ट ओडीआई मैच यहां पे इंडिया की टीम जीत चुकी है एंड जो सीरीज है वो यहां पे 1-0 हो चुका है एंड 2 बचे 2 मैचेस है। अगर श्रीलंका को जीतने तो गाइस यहां पे दोनों ही मैचेस श्रीलंका की टीम को जीतने होगा। अब तो गाइस देखने वाली बात है कि सेकंड ओडीआई में कौन सी टीम जीती है एंड आपके हिसाब से जो फर्स्ट ओडीआई मैच है कौन से प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, और आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।